तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम खेल रहे हैं कंस्ट्रक्शन सिमुलेटर एपिसोड नंबर 5। और मैंने एक लास्ट एपिसोड में हमने स्टार्ट करा था कैंपेन मोड, जिसमें हमने मैरीटाइम टूरिज्म का पहला बोर्ड वॉक वाला कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया था। और आज हमें बनाना है ये ब्रिज, जिसमें हमें मिलेंगे 7,15,000। और काफ़ी बड़ा टास्क है यार ये तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहले एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं कॉन्ट्रैक्ट। और एक काम मैंने और करा था ऑफलाइन में, कि जितने भी क्वेश्चन मार्क वाली प्लेसेस दिखा रहा था ना इसमें मैप में, तो सब मैंने विजिट कर लिए कार रेंट पे लेके। ये वाली कार लेके इसे वापस कर देता हूँ। अब हम चलते हैं अपनी जहाँ पे हमें जॉब मिली है। यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट में हमें ब्रिज बनाना है पूरा। ये देखो गाइज, ये यहाँ से स्टार्ट होगा ब्रिज और पूरा वहाँ तक बनाना है हमें। इसमें काफ़ी हैवी मशीनरी हमें यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे बड़ी वाली क्रेन वगैरह। और भाई क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? तो चल के इससे बात करते हैं कि क्या क्या करना है हमें काम। यार कुछ ज़्यादा ही काम होगा इसमें तो, देखना वहाँ तक ब्रिज बनेगा पूरा। चलो फाइनली इससे बात कर लेते हैं। परफॉर्म ड्रिलिंग, डिलीवर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो यार यहाँ पे पिलर वगैरह ड्रिल करने पड़ेंगे ये दोनों, फिर उसमें लगाने हैं हमें, और सामान भी लाना है। लेकिन ड्रिल मशीन है कहाँ यार? मशीन मुझे लानी पड़ेगी और देखता हूँ। ओहो, ये तो ये वाली मशीन लानी है, रोटेटरी ड्रिल रिग। और देख लेता हूँ, एक फ्लैट बेड ट्रक चाहिए मटेरियल डिलीवरी के लिए। और स्लैब फाउंडेशन के लिए कंक्रीट मिक्सचर। तो ये कंक्रीट मिक्सचर तो है हमारे पास, लेकिन शायद कंक्रीट पम्प यूज़ करना पड़े। पहले तो एक बार चल के ड्रिल मशीन लेके आते हैं। तो गाइस हमारी मशीन आ चुकी है। और यार इसको नीचे कैसे लेके जाना है? इस मशीन को मैं फास्ट ट्रेवल करके लाऊंगा वैसे तो, पर हमें इसे वहाँ नीचे लेके जाना है। पर यार ये बहुत स्लो चल रही है, यहीं से उतार के ट्राई करता हूँ, वरना यार ये तो बहुत आगे से दिखा रहा है कि घूम के आना पड़ेगा। बस ये पलट ना जाए यहाँ पे। नहीं यार, अभी तो सही उतर रही है। उतर गई भाई, सही उतर गई। तो अब हमें पहले उठाना है ये येलो वाला, जिसमें नीचे येलो मार्कर है। तो ये इसमें वायर, क्रेन वाला वायर भी दिया है साथ में। तो लग गया जगह पे। इसके बाद हमें ड्रिलिंग स्टार्ट करनी है। पहले इसका मोड चेंज कर लेता हूँ मैं। ड्रिलिंग स्टार्ट हो गई है, तो जल्दी हो जाएगा काम। 30% अब हमें स्टार्ट करनी है सेकंड स्टेज, जिसके लिए हमें दूसरा हेड लगाना है इसमें। इसके लिए हमें क्रेन की जरूरत पड़ेगी। सेकंड स्टेज भी इसकी कंप्लीट हो गई है मेरे हिसाब से, तो अब चलते हैं दूसरी वाली उस पर। तो इस मशीन का फ्यूल बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, जल्दी काम करना पड़ेगा। तो वह स्क्रीन का काम हमारा पूरा हो चुका है, और अब मैं इसे वापस कर देता हूँ। पहले तो कंपनी व्हीकल प्लेट,
और यार ये काफ़ी डैमेज भी हो चुकी है। अब हमें चाहिए अपना कंक्रीट मिक्सचर, इसे लेके आते हैं। और अभी हमें मटेरियल डिलीवरी भी करनी है तो उसके लिए एक ट्रक चाहिए। तो गाइस मैं सिर्फ कंक्रीट मिक्सचर फिल करा के ले आया हूँ इसमें, तो इसे स्टार्ट करके देखते हैं कि सही जगह पे जा रहा है। यार हमें यूज़ तो कंक्रीट मिक्सचर ही करना है, ये दिक्कत क्या हो रही है फिर से? तो ये बाद में करना है कंक्रीट मिक्सचर, पहले सामान लाना पड़ेगा। तो इसमें 2, 3, 4, 5 चीज़ें लेके आते हैं। चलो तो इसे मैं साइड में खड़ा कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत अभी बाद में पड़ेगी। पहले चलते हैं व्हीकल डीलर के पास, और हमें चाहिए मटेरियल लाने के लिए एक बड़ा ट्रक। एक इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती, नहीं तो मेरे पास जो ट्रक था ना क्रेन वाला, उसमें भी मैं ट्रेलर ऐड कर सकता था पीछे, फिर इसमें कोई ऑप्शन नहीं है उसका। तो ये रेंट भी ले लेते हैं अभी। तो ये रहा अपना ट्रेलर, अभी से हम लेके चलते हैं पहले तो मटेरियल डीलर के पास। अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, हमें क्या क्या चाहिए था। तो एक ये 2 पैलेट ऑफ कंक्रीट और 1 रिबार मेश, वहीं मैं लोड कर लेता हूँ ट्रक पे। परफेक्ट था अपना ये ट्रेलर, सारा सामान आ चुका है। और हमें जाना है कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो भाई साइट पे हम पहुँच चुके हैं, और मैंने गलती कर दी, मैं बिना क्रेन वाला ट्रक लिया है रेंट पे। शाबाश बेटा। और अब मुझे क्रेन की ज़रूरत है ये सामान अनलोड करने के लिए। तो मैं अपना फटाफट से अपना ट्रक ले आता हूँ पहले, क्रेन वाला। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मैं रेंट पे क्रेन वाला ट्रक लेता। कंस्ट्रक्शन मटेरियल तो सारा आ चुका है, अब इसे रीसेट कर देते हैं यहाँ पे। और ये ट्रक भी मैं वापस कर देता हूँ, पहले देख लो कि अभी दोबारा ज़रूरत पड़ेगी क्या इसकी। नहीं, अब तो ये वाली मशीन चाहिए, फिर क्रेन चाहिए, तो उसके बाद ज़रूरत नहीं है ट्रक की, इसे मैं वापस ही कर देता हूँ फिर। ओ भाई नीचे से व्यू देखो कैसा आ रहा है, गेम का गड्ढे में गिर गया एकदम से। यार मुझे लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा रियलिस्टिक होगा, ऊपर तो निकलना मुश्किल है। अब यार ड्रिलिंग 75% क्यों दिखा रहा है, ड्रिलिंग तो पूरी हो चुकी थी यार, इसमें क्या रह गया अब। तो गाइस मैं दोबारा से लेकर आया हूँ इस मशीन को, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ड्रिलिंग कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि दोनों ये पीस अंदर जा चुके हैं, पर ये अब भी इसमें कॉन्क्रीट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो हमें कुछ और ट्राई करना पड़ेगा इसमें। यार ये मशीन तो इन्होंने मंगवा दी, पर ना इसमें ड्रिल हो रहा है ना इसमें कंक्रीट पोर हो रहा है। तो गाइस मैंने ड्रिलिंग वाला टास्क स्किप कर दिया, क्योंकि वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा था, पता नहीं इसमें क्या ग्लिच था या फिर क्या था। और अब वो पूरा हो चुका है, तो उसमें हमें कुछ नहीं डालना था, वो ड्रिलिंग ही सही से नहीं हुई थी। और यहाँ पर अब हमें स्लैब फाउंडेशन के लिए कंक्रीट डालना। Thank you.
हमें इसमें कॉलम बनाने हैं, कंक्रीट डालने वाली मशीन लेके आते हैं वो रेंट पे। तो ये मशीन तो आ चुकी है, पर इसमें भी तो इसमें हमें ट्रक लगाना पड़ेगा पीछे। सब जल्दी चलते हैं अपनी दूसरी मशीन में और स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कंक्रीट डालना। तो एक पिलर का काम तो हो गया, अब सेकंड वाले पे चलते हैं। अरे अभी इसमें एक बार और करना है। यार काफ़ी हाइट पे बना रहे हैं ब्रिज, तो शायद केबल ब्रिज बना रहे हैं इसलिए इतने ऊंचे कॉलम रख रहे हैं। इस कंक्रीट ख़त्म हो चुका है और ये देखो मैं आपको पिलर दिखाता हूँ कि कहाँ तक पहुँच चुके हैं। मैंने फिल करा दिया वापस से। और यार मैं सोच रहा हूँ कि ट्रक को थोड़ा साइड में खड़ा करना चाहिए था, क्योंकि वो उसमें वहाँ पे देखो पूरा अच्छे से एक्सटेंड नहीं हो पा रहा। चलो एक बार ट्राई कर लेता हूँ, नहीं तो फिर ये वाला पिलर तो हो जाएगा, नेक्स्ट वाले में दिक्कत आएगी। तो देखो जितने कॉलम इधर बनते जा रहे हैं उतने उधर बनते जा रहे हैं। तो ये तो शायद कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरे वाले पे चलते हैं।